सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जहां मशहूर यूट्यूबर अमित बड़ाना को गुर्जर आर्ट कल्चर की टीम ने गुर्जर महोत्सव 2022 के लिए आमंत्रित किया है, जहां अमित बड़ाना ने स्टेज में परफॉर्मेंस देते हुए लोगों को मोटिवेट किया। साथ ही ये भी कहा कि हमारी जो कम्युनिटी है, वह चाहे बात करें लड़की की या लड़के की, जिस तरह से सब उभर कर आ रहे हैं वो काबिले तारीफ है। आप एक बार वीडियो जरूर देखिए। एक बात है जो मैं दिल से बड़े मन से कहना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो हमारा समाज है, उसमें चाहे वो लड़की हो लड़के हो, जिस तरीके से अभी सब उभर के आ रहे हैं, निखर के आ रहे हैं सारी चीजें, एक कहना है कि कुछ भी चीज है ना, अभी तक जिस मैं कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी खड़े हैं और जितने भी बैठे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ जो 14-15 से लेकर 25-26-27 साल के हैं, जितने भी लोग हैं ना, सपने अगर देख रहे हो, मैं कह रहा हूँ अगर कुछ सोच रहे हो ना दिमाग की चीज, और कल तक वो दिन बहुत बुरा जा रहा है और कुछ कर नहीं पा रहे और जिंदगी में सब कुछ रुका पड़ा, समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा, क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि अब अपने वो वाला सिस्टम ना रहेगा बालकों में जो पहले हो गया कि यार किराएदारी आ रही है उसको काम चला लेंगे ना, अब हमारे बालक बहुत एक्टिव हो गए हैं, बहुत समझदारी और बहुत अच्छी अच्छी बात करने लगे और खूब आगे बढ़ गए हैं। अब वो ये ना देखते कि हमारे बैकग्राउंड में हम कितने खा रहे हैं कमा रहे हैं, अब वो ये देख रहे हैं कि भाई हम अपने दम पे अकेले क्या कर सके। सबसे अच्छा चेंज मैंने अपने समाज के अंदर देखा है। तो मैं ये कहता कि कल तक दिन बुरा जा रहा है ना, कुछ भी अभी तक खराब चल रहा है, कुछ भी ऐसे लग रहा है बहुत खराब है, तो आने वाला जो कल है ना, जो आज के बाद वो कल आएगा, पर हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल के हम में सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि थोड़े टाइम बाद ही ना हिम्मत हार जावे, एक टाइम हुआ और फिर खत्म, फिर ऐसे लगे यार अब करना क्या है, तो हिम्मत हारने की जरूरत ना, जैसे जो भी चल रहे हो ना, अपनी चाहे वो भाषा हो अपना पहनावा हो, आदमी बोल रहा है कि आया गया है कल्चर, मैं संस्कृति की अपनी बात कर रहा था, जो हमारे यहाँ है ना वो कहीं भी ना, बिहार में एक बार फूफा जरूर रूस है, वो कहीं तुम रूसते हुए देखोगे नहीं, जब फूफा रूस जा रहा है वो हमारे यही है, सबसे ज्यादा जो दादी लंकारन मिले वो हमारे यही मिले, सबसे ज्यादा लड़ाई दादी करवावे, ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा हमें ही मिलेगा जो हमारा, ये एक मजाक वाली चीज है, तो एक वे ऑफ कल्चर है, जिस तरीके से हमारा सबसे बड़ी चीज गोत्र को लेकर जो है कि हम कहीं भी चले जाएं, कैसे भी चले जाएं, गोत्र से गोत्र का जो कनेक्शन होएगा, कि मैं अगर बढ़ाना हूँ, मेरी मम्मी अगर भाटन है, तो मुझे कोई भाटी मिला ना, तो उससे सबसे पहले पूछा जाएगा भाई तू कहाँ से है, मेरी मम्मी भी भाटन है मेरी भी, तो ये जो ये वे ऑफ लिविंग है गुर्जर कम्युनिटी, जो हमारा कल्चर है ना, ये जीने का रहने का सहने का सबसे ज्यादा तरीका है, चाहे हमारा कोई इतिहास उठा के देख लो, चाहे कुछ भी उठा के देख लो, शुरू से ही जिस तरीके से हम रहे हैं, चाहे हमारे तेवर कैसे भी रहे, दिल के हम सबसे ज्यादा साफ रहे, जब गांव में मोहल्ले में पड़ोस में जब एक आदमी ऐसा रहे ना जिसकी सबसे ज्यादा चले है और जो सबसे ज्यादा दबा के रखे आदमी है, जब उस पर किसी का बस नहीं चल पाता, तो गली में मोहल्ले में सबसे ज्यादा नुई कह जावे यार उसके चोई साहब के पास जाओ, गुर्जर साहब के पास, वो ही इसका निपटारा कर सके। तो ये एकदम दिल की साफ दिल की वो बात है जो हर किसी में ना मिलती है, वो हमारे यहीं के ही, बस ये है कि जो थोड़ा सा एक भटकाव है, एक दूसरे की टांग खींचने की आदत है, एक दूसरे को बुरा भला कहने की आदत है, वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें ये नहीं हम अपने आप में कुछ हो गया, हमें दूसरे से सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है, अगर आप किसी को भी देखोगे तो वो बहुत आगे अगर बढ़ा है तो वो यही बढ़ा है कि एक दूसरे का प्रेम करके सम्मान करके कल्चर को फॉलो करके, क्योंकि जो हमारा कल्चर है अगर आप उसको बहुत तरीके से देखोगे पास से देखोगे, वो इतना पुराना इतिहास है, हमारा इतिहास सिर्फ इतना ना है कि हम स्कॉर्पियो के पीछे गुर्जर लिखवा सके, ना ना ना, हमारा इतिहास तो बहुत पुराना है और बहुत अच्छे तरीके से रहा है, आदमी हमें इस तरीके से जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हुए ना कि यार गुर्जर है लड़ने वाला आदमी रहे वैसे रहे, जब गुर्जर लड़ने वाला रहे तो क्रिकेट में जब भुवनेश्वर कुमार चला जावे तो उसकी तुम तारीफ क्यों ना करते हो, जब गुर्जर पढ़ा लिखा ना रहता है तो जब गुर्जर PhD कर ले MA कर ले तुम्हारे भाई ने वकालत कर ली है तो उसकी बात क्यों ना करते हो, क्यों, क्योंकि शुरू से ही एक चीज ऐसी रही है, हम अपने
हम अपनी पीआर ना कर पाए क्योंकि हम पीआर के बहुत भूखे हैं, तो ये हमारे हम पीआर ना कर पाए अपनी। और जब हम अपनी चीज इतनी कर रहे हैं, डायलॉग भी सुना दूंगा फूफा रुक तो जा यार, फिर मैं ऐसे बोल दूं तो वीडियो बना के नेट पे डाल दोगे। छाती पे चढ़ रहा यार ऐसे कह रहा, अब आदमी चढ़ेगा तो वासु क्या कहूं, भैया चढ़ जा चलो इधर कर प्यार है। तो हमारे इतिहास या हमारी चीज को जितना दबा दिया जाओगे ना उसका, देखो मैं कह रहा हूँ सम्मान रिस्पेक्ट तो मतलब तो ये किया यार, इंग्लिश में यू गड़बड़ है, इंग्लिश बोलने लग जावे आदमी सेम वर्ड बोले। सम्मान की जो बात है, सम्मान सबका करो, लेकिन जहां से आप निकले हो उस चीज में ना आपको गर्व होना चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करा जावे, जिस तरीके से हमें बताया जावे किसी के उसमें, देखो अभी कोई बहन थी ना जो गोल्ड मेडल लेकर आई थी कुश्ती में फरीदाबाद से, क्या नाम है, मानसी, मानसी बढ़ाना है ना, ये बात कोई ना करता है, समस्या यू है सारी की सारी। भाई हुक्का पी के चुपचाप रील बना दो यार, ये यू कोई बात हो गए, मैं कह रहा हूँ यू भी ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अब देखो मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो सब थोड़े थोड़े इंगे होंगे देख रहे, अभी मैं कह दूंगा मास्टर भी कह दे ना पढ़ा ना, सब चिल्ला देंगे यार से, है ना। समस्या सारी यू है कि जो मेन फोकस जो ज्ञान वाली चीज है ना, अरे उस बच्ची का फोन वीडियो ले आसाबाद जिसने पिंक कलर की टोपी पहन रखी है, यानी छह बजे रात दिला दे ले भाई, तो भी देख लिया, अब बता कैसे रिश्ता लेके आया है। तो हमें ना जिस चीज की सबसे ज्यादा इस टाइम जरूरत है वो मेंटलिटी को अपग्रेड करने की, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, दिल का आदमी, जब आदमी जब सिर्फ और सिर्फ सत्य असत्य की लड़ाई आवे ना, आदमी सच के मारे अपने घर के इनसे लड़ रहे लेकिन दूसरे आदमी का साथ दे रहा है, ये चीज भी हमारे अंदर ही मिलेगी, दूसरे के लिए खड़ा रहना, दूसरे के लिए वो रहना। अब मैं किसी भी काम में शूट करने चला जाऊं, चाहे नोएडा, चाहे ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, कहीं भी चला जाऊं, मिलेगा हर आदमी, पर जब गुजर आएगा ना लड़का, वो सबसे पहले नुकेगा, और भाई रोटी लाऊं, भाई गाड़ी लाऊं, तो ये सब हम में ही मिले, ये कहीं और ना मिलता है। दूसरा आदमी तो फोन हटा के लावे और मुंह में को घुसा दे रहा है। एक सेल्फी बोले हाँ जी, थैंक यू भाई, तुम आ जा अगर आ सके तो, ऐसे तो सारे आ जाओगे। भाई भाई नीचे उतार कर आई पार था।